आज 21 मार्च 2023 ट्यूसडे का दिन है। आज हम जो है माइनर प्रोजेक्ट की एक नई क्लास और नए स्टूडेंट्स के साथ शुरू कर रहे हैं। ये 22 बैच के हैं ना, आप लोग 21 बैच के हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में हैं। और ये लोग माइनर प्रोजेक्ट करने के लिए, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में माइनर प्रोजेक्ट है इसलिए माइनर प्रोजेक्ट करने के लिए ये लोग आए हैं। ये बैच हमको मिला है रोल नंबर 31 से लेके 42 तक, और फोर्थ सेमेस्टर सिविल, ठीक है, पॉलीटेक्निक हैदराबाद। तो मैं AMS हसन खादरी, असिस्टेंट प्रोफेसर मानू पॉलीटेक्निक हैदराबाद। और हमारे पहले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने से पहले हम अपने पूरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो बैच है, और ये ग्रुप 5 है ना, ये ग्रुप 5 है शायद, तो फिफ्थ ग्रुप हमको मिला है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो हम माइनर प्रोजेक्ट भी करेंगे और आगे मौका मिलेगा तो मेजर प्रोजेक्ट भी करेंगे, जैसे फिफ्थ सेम में, सिक्स सेम में। तो फिल वक्त हम माइनर प्रोजेक्ट करेंगे और आप लोगों के लिए पहला प्रोजेक्ट है, आप लोगों की ज़िंदगी का, तालीमी ज़िंदगी का फर्स्ट प्रोजेक्ट है। तो इसको बहुत ही बेहतर और बिल्कुल खूबसूरत अंदाज से, बिल्कुल सही अंदाज से करने की क्या है कोशिश करना है। पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, आप अपना रोल नंबर और आप नाम बता दीजिए, फिर हम जो है अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। मेरा नाम मोहम्मद फिराज आलम है और मेरा रोल नंबर 42। मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है और रोल नंबर 38 है। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ आलम है, रोल नंबर 39 है। हमारा नाम मोहम्मद आसिफ हाशमी है और हमारा रोल नंबर 40 है। मैं मोहम्मद अरबाज रजा, रोल नंबर 33। मैं मोहम्मद अलवश, रोल नंबर 37। मैं नाम MD इम्तियाज, रोल नंबर 32। मेरा नाम नौशीन परवीन है और मेरा रोल नंबर 36। मेरा नाम MD जहार है और मेरा रोल नंबर 31 है। तो बहरहाल रोल नंबर 31 से 42 तक हमारे सब स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं। टोटल 9 स्टूडेंट्स हैं ना हम लोग, 9 स्टूडेंट्स, मेरे को मिला है तो 10। मैं भी आगे प्रोजेक्ट का हिस्सा ही हूँ ना भाई, एज ए ट्रेनर मेरा इस प्रोजेक्ट से ताल्लुक़ है, एज ए स्टूडेंट आपका इस प्रोजेक्ट से ताल्लुक है। तो हम भी आपके ही टीम मेम्बर हैं, क्या हैं, हम आपके ही टीम में, ऐसा नहीं है कि आपके टीम से हम अलग है, अलग अलग नहीं है, हम सब मिलकर अगर काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, काम बड़े ही आसानी के साथ हो जाएगा। तकरीबन 15-20 साल पहले हम भी स्टूडेंट थे, हम भी प्रोजेक्ट करते थे, तो आपके लाइफ से हम भी गुजर चुके हैं। अब आप लोगों को, आप लोगों के जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को हम गाइड कर चुके हैं, तो आप, हम जो है क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग कर रहे हैं, पहली मरतबा, तो सबसे पहले बात यह है कि हमारा प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स, क्या है ये, टेक्निकल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। इसमें आपको सिर्फ पढ़ते रहना नहीं है और अपने इल्म में इजाफा करते रहना नहीं है जैसा दूसरे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसमें कैसा है आपको कुछ कर दिखाना है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स है, टेक्निकल कोर्स है, साथ ही साथ नॉलेज भी आ रही है, नॉलेज भी आ रही है, नॉलेज का इस्तेमाल भी करना है, एप्लीकेशन करना है कि आप जो सीख रहे हैं उसको किधर अप्लाई करने वाले हैं, या सिर्फ सीखते रहेंगे कुछ करने के लिए आपके पास काबिलियत रहेगी या नहीं रहेगी, ऐसा नहीं है, क्या है, कुछ करके दिखाना है, ये आपका कोर्स। और कुछ करके दिखाने का जो मामला है उसी को प्रोजेक्ट बोलते हैं। क्या करके दिखाएंगे, जो भी करके दिखाएंगे वो है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट करके दिखाएंगे। क्या करके दिखाएंगे भाई, अभी तक आप क्या करके दिखाए, आप थ्योरी सब्जेक्ट पढ़े और लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करके दिखाए, है ना, आप फॉर एग्जांपल सर्वे लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करें, हाइड्रोलिक्स लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करें, या मटेरियल टेस्टिंग लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करें, थ्योरी में पढ़े और लैब में जाके करें, तो एक्सपेरिमेंट करने की आदत है आपको, लेकिन सब मिला के प्रोजेक्ट करने की आदत आपको नहीं है, तो वो करना है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और सिविल इंजीनियर आप बनने वाले हैं उसमें कैसा है, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, यानी कि आगे की जो लाइफ है, स्टूडेंट्स लाइफ हो जाने के बाद, जितने भी इंडस्ट्रियल वर्ल्ड में आप जाने वाले हैं, या आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाने वाले हैं, या प्राइवेट सेक्टर में जाने वाले हैं, या आप इंडिया में काम करने वाले हैं, या आप अब्रॉड जाके काम करने वाले हैं,
आप उसी वक्त तक काम करते रहेंगे जब तक प्रोजेक्ट चलता रहेगा। क्या चलता रहेगा? अभी जिस प्रोजेक्ट से आप इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, मिनी प्रोजेक्ट या माइनर प्रोजेक्ट के नाम से, माइनर प्रोजेक्ट के नाम से आप छोटे से प्रोजेक्ट से आप अपने प्रोजेक्ट का चीज़ शुरू कर रहे हैं ना, अब जब तक आप एज ए इंजीनियर रहेंगे उस वक्त तक आपको सिर्फ प्रोजेक्ट ही करना है। प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, मामला आप का जो नौकरी का मामला है वो भी ख़त्म हो गया। कोई बहुत सारे इंजीनियर जाते हैं वो फिर वापस चार साल पाँच साल के बाद वापस आ जाते हैं, और कुछ लोग वहीं पे कोई दूसरा प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेते हैं। तो उनसे आप पूछिए कि फिर आप ये कंपनी छोड़ के वो वाली कंपनी में क्यों चले गए या फिर आप वापस क्यों आ गए, तो उनका आंसर यही रहेगा कि हमारा प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया। क्या ख़त्म हो गया? तो इंजीनियर की लाइफ किससे जुड़ी हुई है? प्रोजेक्ट। और प्रोजेक्ट जब ख़त्म हो जाता है तो प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस चलता रहता है, मेंटेनेंस वर्क रहता। क्या? फॉर एग्जाम्पल एक बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग का मेंटेनेंस रहता। एक डैम बन गया यानी कि बांध बन गया, उसका मेंटेनेंस रहता। केनाल बना यानी कि क्या बोलना चाहिए, नहर बनी, उसका मेंटेनेंस चलता रहता है। या जो है एक फ्लाईओवर बना, ब्रिज बना, उसका मेंटेनेंस चलता रहता। ब्रिज बना, प्रोजेक्ट हुआ, मेंटेनेंस वर्क चलता रहता है। वो कहीं कुछ ना कुछ मेंटेनेंस चलता रहता है। मेंटेनेंस वर्क एक अलग चीज़ है, लेकिन प्रोजेक्ट वर्क, मेंटेनेंस वर्क भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही होता है, लेकिन वो वैसा नहीं रहता जैसा कि वो चीज़ को आप यानी कि बुनियाद से उठाते हैं। जो चीज़ थी नहीं उसको आप बनाए, ब्रिज नहीं था, ज़मीन पे आप ब्रिज बना दिए, बिल्डिंग बना दिए, डैम बना दिए, ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे मजामीन हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे जो है फील्ड्स हैं जिस फील्ड में आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आप रोड्स, रेलवेज़, हाईवेज़ और जो है आपके एयरपोर्ट्स हैं, ब्रिजेस हैं, इस किस्म के यानी कि टनल्स हैं, इसमें प्रोजेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्स में प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी कि बिल्डिंग है या कोई भी स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स है, ब्रिज का स्ट्रक्चरल एलिमेंट हो या जो है जहाँ जहाँ आरसीसी वर्क है वहाँ वहाँ आप प्रोजेक्ट यानी कि स्ट्रक्चर्स में कर सकते हैं। और आपके वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग यानी कि पानी का साफ करने का जो मामला है, यानी कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जो वेस्ट वाटर है, वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट प्लांट है उस पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जो है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग यानी कि ज़मीन की खासियत, इफादियत और उसकी खसूसियात के ऊपर जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसको जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग कहते हैं, जिसमें बेयरिंग कैपेसिटी मालूम की जाती है, डेंसिटी मालूम की जाती है और मुख्तलिफ चीज़ें मालूम की जाती हैं, तमाम चीज़ों पे अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जियोटेक्निकल फील्ड होगी और वो सब्जेक्ट होगा। और उसके अलावा जो है आप ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इरिगेशन हो गया, इरिगेशन में भी आप कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी, स्ट्रक्चर्स, जियोटेक्निकल, यानी कि जितनी हमारे कोर फील्ड्स हैं, कोर फील्ड्स पे आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ का जो मामला है, यहाँ पे कैसा है, आप भैया फोर्थ सेमेस्टर में हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में अगर आप हैं तो आपको जितने मजामीन, जितने सब्जेक्ट्स आप पढ़े हुए हैं थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में और फोर्थ सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं, इसी लेवल का प्रोजेक्ट आपको कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मेजर प्रोजेक्ट में क्योंकि आप और मजामीन पढ़ लेंगे ना, और सब्जेक्ट्स आप पढ़ लेंगे, फोर्थ सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा, फिर फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स और जो है कोर सब्जेक्ट शुरू हो जाएंगे, उस वक्त आप और दूसरे प्रोजेक्ट्स और मेन प्रोजेक्ट्स की तरफ आप आ सकते हैं। फिल वक्त क्या है, आप क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप जो है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं, आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या एसएम पढ़े हुए हैं, रहीम सर क्या पढ़े थे आपको सब्जेक्ट, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़े हुए हैं ना, मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल पढ़े हुए हैं, आप सर्वेइंग, बेसिक सर्वेइंग पढ़े हुए हैं, एडवांस सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिक्स पढ़े हुए हैं, लैब भी करे हुए हैं, और कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़े हुए हैं, ठीक है। अभी आप लोग वाटर सप्लाई सैनिटरी इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, प्रीस्ट्रेस कॉन्क्रीट पढ़ रहे हैं, आरसीसी पढ़ रहे हैं, थीरा स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे हैं, एडवांस सर्वेइंग पढ़ रहे हैं, ठीक है,
और मेरे ख्याल से हाइड्रोलिक्स का लैब और एक है शायद मैंने, हाँ। तो इस तरीके से कुछ सब्जेक्ट्स हैं मैकेनिक्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ठीक है, ड्राइंग सब्जेक्ट आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हुए हैं, ड्राइंग सब्जेक्ट के साथ ऑटो कैड भी लगा हुआ है उसमें। तो बोलने का मकसद ये है कि ड्राइंग सब्जेक्ट और ऑटो कैड आप पढ़े हुए हैं, और अभी जो जिस सब्जेक्ट्स के मैंने नाम लिए हैं तमाम सब्जेक्ट्स आप पढ़े हुए हैं और थोड़े सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यूस। देखिए फोर्थ सेमेस्टर, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी एक दिन में करने का प्रोजेक्ट नहीं है, पूरा सेमेस्टर करना है, ये आहिस्ता 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 स्टेप बाय स्टेप करना है। तो पिछले बार हम यही डिस्कस कर रहे थे प्रोजेक्ट की इम्पोर्टेंस और जो ग्रुप वर्क टीम वर्क कैसा करते हैं उस बारे में, और टास्क कम्प्लीशन के बारे में हम लास्ट टाइम डिस्कस करे थे, और उसका खुलासा यही है कि जो अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया हूँ कि प्रोजेक्ट वर्क किस तरीके से उसकी अहमियत क्या है, अभी बताया ना मैं आपको। उसके अलावा जो है जैसा कि हमारी एक टीम बनी हुई है, ये टीम हमारी है टीम फाइव जो हमारी टीम है, ये टीम में जो हमारा प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट में जो जितने काम करने हैं वो काम हम कुछ काम हमको सब मिल के 9 लोगों को 10 लोगों को मिल के करना पड़ेगा, ऐसा कुछ काम हो सकते हैं जो हम क्या करें बांट देंगे 2-2 लोग 3-3 लोग 4-4 लोग को, आप 3 लोग ये काम करके लाइए, आप 3 लोग वो फलां वाला काम करके लाइए, आप 2 लोग फलां वाला काम करके लाइए, ठीक है समझे। अब कुछ काम हम बांट के भी कर सकते हैं, कुछ काम हम साथ में मिल के भी कर सकते हैं, लेकिन हमको टास्क जो है मुकम्मल होना है। और प्रोजेक्ट करने के वक्त आपके अंदर जो हिडन टैलेंट्स हैं वो निकल के आते बाहर। अभी तो एक टीचर ब्लैकबोर्ड पे आएगा पढ़ाते रहेगा, वहाँ बैठ के सुनते रहेंगे, एक ही काम टीचर का काम पढ़ाना है, आप सब 60 बच्चे उधर देख के सुन रहे हैं या कुछ लिख रहे हैं कुछ पढ़ रहे हैं कुछ सवाल के जवाब दे रहे हैं, लेकिन आपके अंदर का टैलेंट क्या है हमको मालूम नहीं हो रहा, बल्कि आपको खुद मालूम नहीं हो रहा। लेकिन प्रोजेक्ट के वक्त क्या है, जैसा जैसा प्रोजेक्ट आगे बढ़ता रहेगा आपका आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि आप के पास जो टेक्निकल खूबियां हैं वो आपको खुद अंदाज़ा होगा, हमको भी अंदाज़ा होगा कि भाई इनको ये काम दिए तो उन्होंने बहुत अच्छे से करके लाए, वो वाला इनको काम दिए वो भी अच्छे से करके लाए, मतलब ये ये काम कर सकते हैं, एक अंदाज़ा एक परसेप्शन हो जाएगा ना, हमको भी अंदाज़ा हो जाएगा आपको खुद भी अंदाज़ा हो जाएगा कि, और इससे क्या हो जाएगा आपको खुद एतमाद यानी कि कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा कॉन्फिडेंस। और लास्ट में कैसा है, जब प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जाएगा तो आपको उसका प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, यानी कि आपको बतलाना पड़ेगा कि आपने 4 महीने में क्या किया है, उसका इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा, इंटरनल एग्जामिनर्स रहेंगे, मैं HOD साहब और भी 2 लोग रहेंगे, उनके सामने आपको बतलाना पड़ेगा कि आपने 4 महीने में किया क्या है, और साथ ही साथ जब एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होगा तो वो एग्जामिनर के सामने भी आपको क्या है बतलाना पड़ेगा, आपने जो किया है वही बताना पड़ेगा, कोई अलग चीज़ तो आपसे पूछेंगे नहीं, और आपने किया है तो आप ज़रूर बतलाएंगे, समझे आप, आपने काम किया है तो उसको बतलाने की में कोई मसला नहीं है। अब आ जाते हैं आज का जो हम एक टॉपिक उठा के रखे थे कि आज के लिए हम कौन सा टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसमें जैसा अभी मैं आपको बताया हूँ कि आप जो सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं उसी के अंदाज से उसी लेवल का, आपसे ज़्यादा नहीं उसी लेवल का आपको प्रोजेक्ट करवाया जाएगा। तो अभी हमारे सिलेबस बुक में जो बेसिक सर्वेइंग है उस सिलेबस बुक में अगर आप देखें तो 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसका नाम एक्सपेरिमेंट नहीं है बल्कि प्रोजेक्ट है। एक एक्सपेरिमेंट है जिसको काउंटूरिंग बोलते हैं, उस काउंटूरिंग को एज ए प्रोजेक्ट आपके सिलेबस बुक में दे दिया गया है, आपके सिलेबस बुक में क्या दे दिया गया है, ये एक प्रोजेक्ट है। और एक और एक प्रोजेक्ट है यानी कि एक्सपेरिमेंट है जिसको बोलते हैं आपके प्रोफाइल लेवलिंग, क्या बोलते हैं प्रोफाइल लेवल, तो प्रोफाइल लेवलिंग भी एज ए प्रोजेक्ट आपको दे दिया गया है। तो ये जो प्रोफाइल लेवलिंग है और कॉन्टूरिंग है इसमें से कोई भी एक हम जो है इस बार प्रोजेक्ट एज ए प्रोजेक्ट करेंगे। लास्ट टाइम हम लोग जो है एस्टिमेशन ऑफ रिजर्वर कैपेसिटी यानी कि इरीगेशन पे प्रोजेक्ट किए थे, इस पे करे थे, जैसा कि अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको मैं पूरा लिस्ट बता दिया हूँ कि कौन कौन से फील्ड्स कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं।
अभी हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पे करेंगे, किस पे करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, यानी कि ये हमारा जो भी इंजीनियरिंग है एप्लीकेशन है ना, उसका एप्लीकेशन बताना है कि कहाँ पे ये यूज़ होता है। तो पिछली बार हमारी जो टीम थी, हमारे जो माइनर प्रोजेक्ट के जो स्टूडेंट्स थे, आपके जो सीनियर्स थे, उनके साथ हम जो है इरीगेशन पे प्रोजेक्ट किए हैं, जो जिसके लिए हम काउंटरिंग किए, काउंटरिंग को एज ए एप्लीकेशन हम बतलाने की कोशिश की है। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम प्रोफाइल लेवलिंग को ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में रोड्स पे या रेलवेज के लिए या नहर के लिए, नहर का मतलब केनाल, जो भी काम लेंथ वाइज जो काम होता है, उस लेंथ वाइज काम के लिए, मतलब एक गांव से दूसरा गांव, एक शहर से दूसरा शहर, सड़क एक शहर से दूसरे सड़क पे जाती है, और रेलवेज एक शहर से दूसरे शहर पे जाती है, समझिए आप। तो एक मकाम से वह दूसरे मकाम तक एक काम होता है, एक प्रोजेक्ट होता है, वो शहर से भी गुजरती है, जंगल से भी गुजरती है, नहर से भी गुजरती है, दरियाओं से भी गुजरती है, और जो है आपके जंगल से भी गुजरती है, ऐसा होते होते वो दूसरा शहर आ जाता है, वहाँ तक रेलवेज यानी कि पहुँचते हैं। तो यहाँ से वहाँ तक आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोफाइल लेवलिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभी हम क्या करेंगे, हम एक ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा हम सेलेक्ट करेंगे, साइट सेलेक्शन करने के बाद जो है हमारे प्रोफाइल लेवलिंग के लिए कौन कौन से चीज़ें की ज़रूरत होती है, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत होती है, कौन कौन से ड्राइंग की ज़रूरत होती है, फिर उसका एक बार हम जो है प्रिलिमिनरी सर्वे कर लेंगे, यानी कि एक यूँ समझिए कि मोटा मोटा अंदाजे के तौर पे आप जाके सर्वे कर लेंगे, प्रिलिमिनरी सर्वे, शुरुआती एक अंदाज़ा हो जाए, एक आइडिया हो जाए कि हमको क्या करना है, कहाँ से शुरू करना है, किधर से कौन सा काम कहाँ से शुरू करना है। उसके बाद जो है एक्चुअल सर्वे करेंगे, एक्चुअल सर्वे करने के टाइम पे पहले हम मार्किंग करेंगे पॉइंट्स के, मार्किंग करने के बाद फिर अगली बार जब जाएंगे तो फुल लेंथ सर्वे करेंगे, उसमें बेरिंग्स भी मालूम करेंगे, लेवलिंग भी करेंगे, फिर जब हम ये सर्वे का काम फील्ड वर्क जब कर लेंगे तो वापस आएंगे लैब में आने के बाद उसका कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करने के बाद उसकी ड्राइंग बनाएंगे, ठीक है, ड्राइंग बनाने के बाद उसमें क्या कितना क्या अंदाज से प्रोफाइल लेवलिंग के अंदाज से कितना हमको फिलिंग होना है, कितना कटिंग होना है, और रोड साइज़ क्या है, रोड का डायमेंशन क्या है, और क्योंकि रोड की तरफ कर जा रहे हैं ना हम, ट्रांसपोर्टेशन का कर रहे हैं, तो उसके बाद इसका फाइनल जो यानी कि फॉर्मेशन लेवल है, फाइनल फॉर्मेशन लेवल हम मालूम करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद जिसके फाइनल फॉर्मेशन लेवल का मतलब ये कि उसके बाद आपको काम शुरू कर देना रहता, यानी कि मजदूरों को बुला के काम शुरू कर देना है, वहाँ तक उस लेवल तक हम अपना काम करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, समझे आप। तो ये जो अभी मैं आपको लिस्ट ऑफ इवेंट्स बतलाया हूँ कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वन बाई वन, लास्ट में क्या करना है, या इसी दौरान क्या करना है, आपको रिपोर्ट प्रिपरेशन करना है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन का, उसका भी एक लिखने का, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखने का बिल्कुल अंदाज, उसका भी एक तरीक़ा है, उसका भी एक सलीका है, तो उसका भी आपको जो है एक टेम्पलेट दे दिया जाएगा, और एक उसके भी आपको हिदायतें, और उसकी भी एक क्लास होगी कि किस तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी जाती है, उसको टाइप करना पड़ेगा, उसको टाइप करके उसको रिपोर्ट्स बनाना पड़ेगा। आप लोग अपनी अपनी कॉपी अपने पास रखिए, एक कॉपी हमारे पास जमा कर दीजिए, जिस तरीके से आप लैब की रिकॉर्ड जमा करते हैं ना, उसी तरीके से प्रोजेक्ट की रिपोर्ट भी आप जमा करिए, फिर फाइनल प्रेजेंटेशन हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो माइनर प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल हो जाएगा। आज यूँ समझिए कि आज पहली क्लास है, पिछली बार भी हम डिस्कस करें, लेकिन बाकायदा तौर पे हम जो है आज डिस्कस करें हैं, तो यूँ समझिए कि आज की जो क्लास है, आज 21st जो 15th को भी हम बैठे थे, लेकिन 21st यानी कि मार्च 2023 हमारी ये पहली क्लास समझी जाएगी, और यहाँ से और लास्ट क्लास जब भी रहेगी वहाँ तक एक के बाद एक आप वन बाई वन लिस्ट के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से, यानी कि एक सिलसिले के हिसाब से एक के बाद एक हम काम करते जाएंगे, तो काम भी आसान हो जाएगा, ऐसा नहीं कि एक ही बार में सब कर लेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे, वन बाई वन स्टेप बाई स्टेप, ज़्यादा कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, स्टेप बाई स्टेप हम काम को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसमें आपको कुछ किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए।
क्वेश्चन नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो अगली क्लास में हम आप लोगों से फिर से मुलाकात करेंगे, ठीक है।